तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग, आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड हम लोग को लाइन में अगर कोई भी अगर सॉफ्टवेयर वगैरह करना चाहते हो तो उसका दिमाग में एक ही सवाल घूमते रहता है। क्योंकि शुरू में मेरा साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं भी रात भर सोचते रहता था और यूट्यूब पर सर्च करके देखते रहता था जैसा कोई टूल है ना क्या, जो एक टूल से सारे फोन वगैरह अनलॉक होता है कि नहीं होता है, और ऐसा कोई सस्ता में जो अच्छे टूल होता है जो काफ़ी सारा फोन को सपोर्ट करता है, ऐसा कोई टूल है कि नहीं। तो हर एक भाई का मन में डाउट रहता है और वो यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बोलने वाला हूँ जे 1000 सिर्फ 1000 आप इन्वेस्ट करके काफ़ी सारा फोन आप अनलॉक कर पाओगी उस टूल का माध्यम से। उस टूल का दाम रहेगा सिर्फ 1000, और टूल उस पर आपको सारे कुछ फ्यूचर देखने को मिलेगा, और वो भी टूल पेड टूल है और टेस्टेड टूल है। तो मार्केट में आज के डेट पे टूल का काफ़ी नाम है, काफ़ी भाई जानते हैं इस टूल को। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ इस टूल के बारे में, और आप किस तरह से ले पाओगी, कहाँ से मिलेगा और क्या क्या इस पर चीज़ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सारी चीज़ मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हो मेरा, ये मुझे पता चलता है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो किस टूल के बारे में बोल रहा हूँ और आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही फायदा होगा। तो आइए मैं आपको पीसी में दिखा दूँ। तो फ्रेंड देख पा रहे हो, अभी हम लोग आ गए पीसी पर, और सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ टूल कौन सा है। तो टूल में इस टूल का बारे में बात कर रहा हूँ, देख पा रहे हो टूल कौन सा है, एंड्रॉयड मल्टी टूल। और इस तो सबसे पहले मैं टूल को आपको लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ, जिसपे सिस्टमेटिक क्या क्या है और क्या क्या चीज़ आप कर पाओगे। तो इसे मैं लॉगिन करता हूँ, देख पा रहे हो मैं लॉगिन किया आपका सामने में ही। तो देख पा रहे हो जैसे लॉगिन हो गया तो इस तरह से एक टूल दिखता है, और टूल बहुत ही बढ़िया है, इस पर कोई आपका एरर वगैरह नहीं आता है। जितने भी मैंने फ़ोन इससे अनलॉक किया है कोई एरर वगैरह आज तक मेरे को देखने को नहीं मिला है। तो इस पर दिया हुआ है, देख पा रहे हो इस पर आपको सारे ब्रांड इस पर दिया हुआ है, जो भी फ़ोन अगर आपके पास आता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें देख पा रहे हो जियो, आईटेल, कार्बन, रेनोवो, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला, नोकिया, जितने भी है रनिंग मॉडल जो मार्केट में आते रहते हैं हम लोग के पास, वही इसमें दिया हुआ है। तो सोचिए हम लोग के पास सैमसंग का आता है, शाओमी का आता है, रियलमी, ओप्पो, ये सब ज़्यादा आते रहता है। तो इसे मैंने सिलेक्ट करता हूँ शाओमी में। तो फ्रेंड जैसे मैंने शाओमी पे क्लिक किया तो इस पर देख पा रहे हो मॉडल वगैरह इस पर शो कर रहे हैं। अगर कोई भी मॉडल अगर आप चाहते हो सर्च करके ढूंढना तो आप यहाँ से लिखना और आपका मॉडल जो भी इस पर सपोर्टेड है आ जाएगा। लेकिन इस पर एक चीज़ मैं बोलता हूँ, जो मॉडल इस पर दिया नहीं है ये मैं सोच रहा है सपोर्टेड नहीं है, वो भी सपोर्टेड करता है, वो भी फोन आप अनलॉक कर पाओगी इस टूल का माध्यम से। तो किस तरह से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे शाओमी का हो गया तो इसमें आपको 9A में काफ़ी सारा मॉडल आता है, आप जानते हो, सेम CPU टारगेट कर लेना आपको काम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी देखो रेडमी A1 A1 Plus, पोको C50। तो फ्रेंड इस टूल के जरिए मैं आप अनलॉक वगैरह, फ्लैशिंग, सारे चीज़ कर पाओगे। तो देख पा रहे हो कोई भी अगर मैंने मॉडल सिलेक्ट किया इस पर, Note 7 का मैंने सिलेक्ट किया, तो इसमें आपको फैक्ट्री रिसेट अगर करना है, सोचिए फोन का आपको पैटर्न लॉक है, पिन लॉक आपको अनलॉक करना है, तो सीधा आप यहाँ से क्लिक कर लेना, देख पा रहे हो फैक्ट्री रिसेट, तो आपका फोन फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। उसका बाद आपका FRP वगैरह है, फ्लैशिंग करना है, यहाँ से फ्लैशिंग कर लेना। तो उस पर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वीवो का। तो एक टूल कब निकला था, एक टूल एक्चुअली वीवो के लिए निकला था, जो वीवो का एक टाइम में आपका FRP वगैरह नहीं हो रहा था तब एक टूल निकला था, एक टूल वीवो के लिए बनाया गया था। तो देख पा रहे हो इस पर वीवो का काफ़ी सारा मॉडल इस पर एट है, और ये वीवो इस पर लिखा है, देखिए ऑल वीवो MediaTek यूनिवर्सल। जो वीवो का फ़ोन आएगा जिसपे MediaTek का चिपसेट लगा हुआ होगा तो आप यहाँ से ट्राई कर लेना, ऑल वीवो MediaTek इस पर डाक के जो भी चीज़ करना है आप यहाँ से देख पा रहे कितना सारा ऑप्शन है, आप इस पर हेल्थ वगैरह भी चेक कर सकते हो, देख पा रहे इस पर हेल्थ भी चेक होता है। तो कोई भी अगर लोगो वगैरह फ़ोन आता है अगर आप चाहते हो उसको हेल्थ वगैरह चेक करने के लिए तब आपको यहाँ से मिल जाएगा, बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हो मिल जाएगा, RPM रीड करना चाहते हो मिल जाएगा, RPM राइट करना चाहते हो मिल जाएगा, फास्ट बूट ऑटो फिक्स करना चाहते हो मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन है। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ है, रियलमी का देख लेते हो, रियलमी का कितना सारा मॉडल इस पर एट है, देख पा रहे हो रियलमी का कितना सारा मॉडल इस पर है, देख पा रहे हो Realme 7 6 3i कितना सारा मॉडल है इस पर। तो इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ खास है, तो इस पर आपको देख पा रहे हो इसका वैलिडिटी देख पा रहे हो
50 अभी जो मेरा वैलिडिटी है इस पे आपको 58 डेज शो कर रहा है, जो मेरा नाम का बगल में दिखा रहा है वैलिडिटी 58 डेज शो कर रहा है। और इस पे देखिए एक क्रेडिट टूल है, इससे आपको कोई बाई वगैरह नहीं करना पड़ता, इससे आपको क्रेडिट डालना पड़ता है तब जाकर टूल लॉगिंग होता है। तो अभी मेरा इस पे क्रेडिट है 10 क्रेडिट, ठीक है ना। तो 10 क्रेडिट मेरा कितना गिरा था, तो 10 क्रेडिट मेरा 1000 जैसे गिरा था, 1000 जैसे 1000 ही पकड़ लीजिए। फर्स्ट टाइम आपको टूल कहाँ से मिलेगा और आपको बाई किस तरह से करना है, टूल आपको गूगल पर मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आपको टूल बाई आपको नहीं करना है, आपको इस पे सिर्फ क्रेडिट डालना है, वो भी देख पा रहे हो 10 क्रेडिट। 10 क्रेडिट जब तक है आपका टूल में तब तक ये टूल ओपन होते रहेगा, और जितने भी फोन है ये सब फोन आप अनलॉक वगैरह कर पाओगे। आपको लगता है फ्री टूल यूज़ करने में रिस्क होता है, हाँ मैं मानता हूँ फ्री टूल यूज़ करने में रिस्क होता है, उससे वायरस वगैरह भी आ सकता है, उस पर आपको पीसी हैक होने का चांस भी होता है। तो इसलिए मैंने आपका चैनल पे पहले शुरू शुरू मैंने एक दो वीडियो डाला था फ्री टूल के लिए, तो अभी मैं उतना नहीं डालता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है जो मैं खुद ट्राई करता हूँ वही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो इस टूल से कोई खतरा नहीं है, आप इजीली यूज़ करना। तो ये टूल आपको मैं बोलता हूँ कहाँ से मिलेगा, सिंपल सी आपको आपको गूगल में चला जाना है, जाने के बाद आपको इस पर एंड्रॉयड मल्टी टूल लिख देना है। तो गूगल में जाने के बाद आपको सिंपली इस पर आपको एंड्रॉयड मल्टी टूल सर्च कर लेना, देख पा रहे मैंने सर्च किया, इसका ऑफिशियल होम पेज आ गया पर भला, इसे आपको ओपन कर लेना, देख पा रहे मैंने इसे ओपन किया, अभी आपका सामने खुल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए एक टूल का ऑफिशियल साइट ओपन हो गया, और इस पर आप देखिए एक चीज, तो जैसे टूल आपको ओपन हो जाएगा इस पर एक चीज देखिए, इस पर आपको टेक्नो मीडिया टेक ऑथ वाला, जो किसी किसी फोन में ऑथ मांगता है जो अदर टूल से नहीं होता है, तो वो वाला अभी से ऑनलाइन है, इससे आपको क्रेडिट कटेगा लेकिन आपका फोन अनलॉक वगैरह हो जाएगा। टेक्नो का भी है देखिए ऑनलाइन वाला, ये भी ऑनलाइन है। रियलमी का कुछ कुछ सेट है जो अदर टूल में सपोर्ट नहीं है, ऑथ मांगता है क्रेडिट मांगता है, वो भी इस पर सपोर्टेड है, ये ऑनलाइन वाला टूल है ध्यान में रखना। तो इस पर आपको ये ऑनलाइन है, और नोकिया का भी ऑनलाइन है, लेकिन अभी फिलहाल का वीवो का सर्विस अभी ऑफलाइन है, देख पा रहे हो वीवो मीडिया टेक एंड कॉलकॉम वाला जो फास्टबुट टू एडीएल में जम करवाता है वो वाला सर्विस इस पर अभी ऑफलाइन है, अभी ऑफलाइन है, आगे जाके ऑनलाइन भी होगा। इस पर सैमसंग का भी ऐड हो जाएगा, चिंता मत करना, धीरे धीरे अभी उन्होंने अपडेट दे रहा है धीरे धीरे। तो अभी आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये वाला इसका सेटअप है, देख पा रहे हो ये वाला इनका सेटअप है, इसे डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके टूल आपका पास आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे देख पा रहे हो लॉगिन का जो ऑप्शन है फ्रेंड, इसे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अभी ये मेरा अकाउंट है, देख पा रहे हो अभी मेरा अकाउंट है, जैसे मैं लॉगिन के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए लॉगिन हो गया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हो, आपके पास ये टूल नहीं है, आप खरीदना चाहते हो यूज करना चाहते हो, तो आपको इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा किस तरह। तो फ्रेंड टूल अपन डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह सेटअप देखने मिलेगा, और इससे आप तो इससे जैसे आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा ना, तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, देख पा रहे इस तरह देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख पा रहे हो एक चीज़, इस पर अभी फिलहाल मेरा इस पर अकाउंट है, देख पा रहे हो मेरा आईडी पासवर्ड इस पर लगा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको पास ए वाला नहीं रहेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, देख पा रहे हो इस पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है, देख पा रहे हो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर आपको आपका जीमेल डाल देना है, आपका नेम डाल देना है, और पासवर्ड डाल के आपको रजिस्टर कर लेना, ठीक है ना। तो फ्रेंड देख पा रहे हो इस पर मैंने अपना जीमेल डाल दिया, नाम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, और वही पासवर्ड आपको नीचे में डालना है, सेम पासवर्ड आपको देना है। तो देख पा रहे हो आपको भी इस तरह से फिल कर लेना है कि आपका सामने में बना रहा हूँ, तो उसका बाद आपको इस पर क्लिक करना है, रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। तो जैसे रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, देख पा रहे हो ये आपका यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली फुल हो गया। तो अभी इससे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ, वही जीमेल वही पासवर्ड आपको इस पे दे देना। तो फिर देख पा रहे हो वही पासवर्ड और वही आपको जीमेल लॉगिंग में जाके आपको डायल करना है, देख पा रहे हो मैंने किया। तो देख पा रहे हो ये हो गया है मेरा अकाउंट क्रेडिट, देख पा रहे हो इसे मैंने सेव किया, तो अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया। तो अभी इस अकाउंट में इस जीमेल में आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। क्रेडिट कहाँ से मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, अगर कोई भी जान पहचान है भाई जिससे आप लेन देन करते हो तो आप उससे भी ले सकते हो। तो इस पर अभी देख पा रहे हो क्रेडिट बैलेंस 00 है। तो इस पर आपको फर्स्ट टाइम 10 क्रेडिट ले लेना है, और जैसे 10 क्रेडिट आपका अकाउंट में आ जाएगा
तो वही टूल में भी आपको वही यूजर आईडी वही पासवर्ड पर डालना है, डाल के आपको लॉगिन कर देना है। लेकिन 10 क्रेडिट अगर नहीं रहेगा आपका अकाउंट में, 10 क्रेडिट नहीं रहेगा तो आपका टूल ओपन नहीं होगा। तो आपने 1000 रुपये क्रेडिट डाला और आपका पास जो भी फोन आता है जो विदाउट क्रेडिट का होता है, वो सारे फोन आप इससे अनलॉक वगैरह फ्लैशिंग जो भी करना है आप कर पाओगे। अगर किसी को आपको एक टूल शेयर करना है, टूल दूसरा पीसी में भी लॉगिन करना, वो भी आप कर पाओगे। इस पे शायद 1 घंटा का टाइम लगता है, आप हर 1 घंटे में पीसी चेंज कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ठीक है फ्रेंड, ये टूल जो है बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ इस टूल के बारे में। तो अगर कुछ भी जानकारी आपको और चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर लेना मेरा। तो आपको इस टूल के बारे में अगर कुछ भी और जानकारी चाहिए या क्रेडिट चाहिए तो आप सीधा मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। इस वीडियो के नीचे में मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारे कुछ जानकारी। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।